एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज व्रत में बनने वाली आलू की सब्जी बन रही है बिना लहसुन प्याज की, तो चलिए देखते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ 1 चम्मच तेल ले लिए हैं सरसों का। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं अगर आप फास्टिंग में हैं। और 1 तेज पत्ता, जीरा, 2 लाल मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 लौंग और 1 हरी इलायची। तेल गरम हो गया है, अब इन सब चीज़ों को डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे खड़े मसाले, ये तड़क जाए तो जीरा और सभी मसाले डाल देंगे। सभी खड़े मसाले डाल दिए हैं, सिर्फ मिर्च नहीं डाले, इसे बाद में डालेंगे। मिक्सी के जार में यहाँ पीस लिए थे टमाटर और अदरक, ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन रही है, तो इसे अब इसमें डाल देते हैं। सभी मिश्रण को डाल देते हैं और जार में थोड़ा पानी डाल के भी ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो धनिया पाउडर डाल देते हैं, इसी के साथ भुन जाएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी है तो गोल मिर्च पाउडर 1 पिंच। थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इन सबको भून लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल देते हैं, लाल कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे कलर के लिए। ये जार में कुछ मसाले रह गए हैं, इसे भी धोकर डाल देते हैं। अब इसे 3 आंच पे अच्छी तरह से इन मसालों को भूनेंगे। अब ये दोनों लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि टमाटर भी जल्दी से पक जाए। आलू को पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, अब इस तरह से इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे जो आलू तोड़ कर रखे थे उसे। अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। 3-4 मिनट मसाले के साथ इन आलूओं को भून लेते हैं। सब्जी अच्छी तरह से भुन गया था, तो अब इसमें हम डाल दिए हैं गरम पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अनुसार पानी डालिएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। सब्जी तैयार हो गई है, अब इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब 1 मिनट इसके लिए इसे ढक देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। इसे आप पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना।